यारों का जश्न है। ओहो गगी 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 गगी, क्या हुआ? खुशी के मारे ऐसा क्यों रहे? पूछिए ना, क्या क्यों रहे? अरे क्या क्यों हो रहे हैं? अरे ऐसे उछल क्यों रहे हैं? और क्या क्यों रहे? अरे बात ही है ना, लल्लन टॉप लाली पॉप वाली है। अरे वाह। तुम्हें पता है, अरे जो है हमारी किस्मत की ना कचौड़ी तल गई है, वो भी एकदम तो। हाँ, और क्या है ना कि आज सड़क पे हमको एक नहीं दो नहीं बल्कि हमको 25,000 रुपए पड़े मिले। 25,000? हाँ 25,000। लेकिन क्या है ना कि उस समय ना वो दो जो है ना मनुष आ गए। अरे पूछो ना, कौन से दो मनुष आ गए? कौन से दो मनुष आ गए? अरे आपने भाई राहु केतु अमर प्रेम। और क्या है ना कि जब हम पैसे उठा रहे थे ना, तूने हमको देख लिया, लेकिन हम भी चतुर्वेदी हैं, हमने ना वो सारा मामला 10,000 में निपटा दिया। और उसके बाद भी हमारे पास 15,000 रुपए है। दो? नहीं ना, दे दो। दे दो? दे दो। 1, 2, 3। हमारे पैसे कहाँ ठो हो गए? क्या हुआ? अच्छा, राहु केतु ने मिलके हमको बेवकूफ बनाया है, हम इनकी ठो करके रहेंगे। वाओ स्वीट, थैंक यू। अरे यार क्या बेवकूफ बनाया चतुर्वेदी जी को हमने। मतलब मैंने कहा था ना कि भैया वैन ठीक करने का इंतजाम तो मैं कर ही दूंगा। हाँ यार, और पैसे भी चतुर्वेदी जी को देने पड़ेंगे। अरे यार चुप करो तुम दोनों के दोनों, प्लीज मेरे जीजू का मजाक मत बनाओ। डॉली तुम एकदम सही कह रही हो, अगर यारों को पहले से पता होता कि तुम चतुर्वेदी अंकल के साथ ऐसा कुछ करने वाले हो तो यारों कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता। सही कह रहे, तुम दोनों को झूठ नहीं कहना चाहिए था। यार गाइस गाइस काम डाउन काम डाउन। देखो हम दोनों ने जो भी किया ना वो हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी का ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों किसी को धोखा दो। बिल्कुल धोखा दिया है तुम दोनों ने मेरे जीजू को। कम से कम मेरे रांझना, तुमको तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे मेरे जीजू हैं, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो तुम्हारी मेरी शादी नहीं होने देंगे। अब पहले तुम लोग यारों से एक प्रॉमिस करो, फ्रेंड्स फास्ट फूड से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से पहले 10,000 रुपए चतुर्वेदी अंकल को दोगे। प्रॉमिस करो। यार ये वादा से ज्यादा एक्सटॉर्शन लग रहा है। अच्छा ठीक है गाइस, ओके ओके, हमने जो किया वो सही नहीं था। हम लोग एक काम करेंगे, जब भी जो पैसे आ जाएंगे हम हक का पैसा जो चतुर्वेदी जी का है उन्हें वापस कर देंगे। बड़ा आया लौटालने वाला, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? ये क्या किया? देखना देख अंधे। हेलो चतुर्वेदी अंकल, हाउ आर यू? चुप कर। बड़ा आया, हाउ आर यू? तुम जो हो ना, अरे चतुर्वेदी जी, चचा जी चचा जी, देखो ना हम दोनों तो बस छोटे से नन्हे से निन्नू से बच्चे। नहीं नहीं बेटा, तुम बच्चे नहीं हो। अरे तुम दोनों तो चच्चे हो चच्चे। तुम नीली आंखों वाले हैं? बिलौटे? बिलौटा नहीं, क्या रहूं? अरे हमें पता है बेटा, हम ये रहूं हम ये रहूं। लेकिन ऐसा है ना कि तुम तीनों भूल रहे हो कि हमारे सामने तुम ना चूचू के मुरब्बे हो, समझे ना? मुरब्बा नहीं, क्या रहूं? चुप, बोला ना तुमसे बीच में मत बोलना। हाँ, घसीट कंटा मारेंगे तुमको। तुमने जो हमारे साथ किया है ना बेटा, तो तुम पछताओगे कि हमने किया तो क्यों किया। तुम्हारी तो बैंड बजा के रहेंगे तुम तीनों, समझ गए? अरे तुम नौटंकी, ड्रामा क्वीन। नहीं हमें पता है तुम ड्रामा क्वीन हो, समझे ना? और यहाँ जो लप्पा चप्पा कर रही हूँ ना, चलो यहाँ से चल, मूव, चल चल। दोनों मेरी ठोकरते रहते हैं यार। हेलो
जी पप्पू जी, जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो पप्पू मैकेनिक का फोन आया था, वो बोल रहे हैं 3 बजे तक वैन आ जाएगी। अरे वाह चलो बोल यार। वैन आ गई। चलो भाई गाड़ी आ गई लिए। वाओ वैन क्या लग रही है, एकदम चकाचक ब्रांड न्यू। पापा यारो बहुत खुश है, हम सबकी वैन आ गई। आज मैं इस वैन की बड़ी वाली पप्पी लूंगा। अग्रवाल साहब आपकी गाड़ी को एकदम चकाचक कर दिए लाओ। चलिए फटाफट 10,000 रुपए निकालिए। दस हजार रुपए? लेकिन वो तो चतुर्वेदी अंकल देने वाले थे। नहीं दिए ना, मैंने कहा था वो 10 रुपए भी नहीं देंगे। अरे चतुर्वेदी बहुत चतुर है, 10,000 क्या, वो तो 10 पैसा भी नहीं देगा। उसके बाद भी आप उन इंसानियत के नाते गाड़ी को एकदम चकाचक कर दिए ले, टका टक। पप्पू भाई आप एक काम करो, आप वैन छोड़ जाओ, मैं आपको पैसे बाद में भिजवा दूंगा। हाँ ये सही रहेगा। तो ठीक है, जब आप पैसे भिजवा देंगे तो मैं आपको वैन भिजवा दूंगा। अरे पप्पू सर रुक जाइए प्लीज। रुका 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 रुका। पप्पी सर आ गए हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। पप्पी? अरे पप्पी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अरे पैसा कौन देता है, हाथी? नहीं ना, इंसान देता है ना, तो हम कौन है? हाथी। हा? नहीं नहीं नहीं, अब इंसान 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 है ना, तो हम पैसे देंगे। ये लो पैसे। पैसे चाहिए लो, बराबर है ना? एकदम 10,000 निकल। ओके थैंक यू, चल निकल, चल आ जा। थैंक यू पप्पी सर। पप्पी सर आज तक यारो ने जब भी आपका नाम लिया तो हमेशा पप्पी सर कह के बुलाया, लेकिन आज यारो सच में आपकी पप्पी लेगा। थैंक यू पप्पी सर, आपने हम सबकी हेल्प की। पप्पी सर अगर आप नहीं होते ना तो फ्रेंड्स फास्ट फूड कभी शुरू नहीं होता। ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। हाँ पप्पी सर, हमने आपको आज तक जितना भी बुरा भला कहा उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अबे रुलाओगे क्या? अरे ये पप्पी सर है, पप्पी सर, इनको तो मुफ्त में खाने की आदत है, तुम लोग तो जानते हो मुफ्त की कॉफी पीने आते हैं। अरे बस ये फास्ट फूड खुल गया ना तो मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, उसके बदले 20,000 रुपए का मुफ्त का खाना खाऊंगा। अरे मजाक कर रहे हैं। तो आज रात हम सब लोग मिलके हमारी इस बैंक को एकदम सजा देंगे। हाँ यारो, तुम लोग कर कर के ये करना और मैं और तुम्हारे पापा जा के मार्केट जाएंगे और बाकी का जितना भी जरूरी सामान है ना ले लेकर आएंगे, ठीक है? और कल तो यहाँ खुल जाएगी फ्रेंड्स फास्ट फूड वैन। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। लो जी, मैंने इसमें सारी की सारी रेसिपीज फीड कर दी हैं। अब देखना इसका फ्रेंड्स फास्ट फूड कितना चलेगा। आजा बेटा। वेल यारो माय डियर, आर यू रेडी? Yes, Papa, Yaro is ready. Thank you, Papa. Thank you, Mummy. Good luck, Yaro.
गिटार टाइम। यस। एक मिनट, गिटार के पहले एक तीर निशाने पे क्या लग गई, अपने आप को ये बड़े तीरंदाज समझने लगे। ये क्या सोच रहे हैं कि ये लोग अपना बिजनेस चला लेंगे? अरे हम इनकी ठोकर के रहेंगे। ये क्या सोच रहे हैं कि मैंने परमिशन दे दिया है तो हम कभी इनकी ठोकर ही नहीं सकते? अरे हम इनकी ठोकरेंगे, अब आएगा मजा। चतुर्वेदी चिंतामणि चलेंगे चाल और इनका फ्रेंड फास्ट फूड हो जाएगा बंद। वैन का सारा सामान आ चुका है। हाँ, वैन एकदम रेडी हो गई है। पर हम सब भी एकदम रेडी हैं। लेकिन यारू कहाँ है? यारू का गायब हो गया। अरे उसकी मम्मी अपने लाडले दुलारे को तैयार करके ला रही होगी। टन टन। पापा, आपका मास्टर शेफ यारो आ गया। लग लग के कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बच्चा, इस पर किसी की नजर ना लगे। भाभी जी, चतुर्वेदी जी, भाभी जी हम आ गए। ओहो, भाई आप लोगों की तैयारी हो गई है यारो? अरे भैया तुम तो लल्लन टॉप लॉली पॉप लग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग ये वैन कहाँ लगाओगे? भाई हमको भी तो ठो चले। चतुर्वेदी अंकल, हम सारे फ्रेंड्स मिलके फ्रेंड्स कॉलोनी में ही हमारी वैन लगाएंगे, फ्रेंड्स फास्ट फूड। अच्छा, अरे तो इसके लिए तो तुमको परमिशन तो होगी ना? कैसी परमिशन चतुर्वेदी अंकल? अरे यार तुम बौड़म पंथी में ना अपने पापा पे गए हो। चतुर्वेदी साहब, मेरे बारे में जरा तमीज से बात किया कीजिए आप। क्यों, सच्चाई कड़वी लगी ना? अब एक और कड़वी सच्चाई सुन लो कि भाई नियम के मुताबिक ये जो वैन है ना, ये कॉलोनी में नहीं खड़ी होगी। तो भाई यहाँ के जो सेक्रेटरी है ना, चतुर्वेदी चिंतामणि, उनके हाथ का साइन किया हुआ परमिशन लेटर चाहिए, और वो तुम्हारे पास तो होगा नहीं। जीजू दे दीजिए ना परमिशन। चुप। परमिशन ना मिलेगी वैन लगाने की और ना ही मिलेगी टंटागिरी करने की इन लफंटरों के साथ, समझी ना? क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि, उसकी खैर नहीं जिससे मेरी ठनी। अब हम भी देखते हैं कि जो ये वैन है ये तुम लोग कैसे लगाते हो। क्या नाम है? हाँ, फ्रेंड्स फास्ट फूड। अब मैं फैलाऊंगा रायता, वो भी एकदम ठोस, समझ गए ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चतुर्वेदी जी ने साफ साफ मना कर दिया परमिशन देने से। बिना सेक्रेटरी की परमिशन के हम वैन नहीं लगा सकते। अरे बच्चों, हो के उदास नहीं होते। लो चाय बिस्किट खा लो। कुछ खा लो, तुम लोगों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया पिया है, ओके? प्लीज कुछ खा लो पहले। पापा, ये परमिशन क्यों लेनी होती है? अब परमिशन क्यों लेनी होती है? अब देखो बेटा, ऐसा है कि मैं अगर घर में कुछ करना चाहता हूँ, कोई चीज यहाँ से उठा के वहां रखना चाहता हूँ, उसके पहले मुझे तुम्हारी मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, वरना मम्मी अलाउ नहीं करती है। इसी तरह से बेटा, सोसाइटी में कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ती है, समझे?
ओके पापा, इसका मतलब चतुर्वेदी अंकल पूरी सोसाइटी की मम्मी है। मेरा बोलू बोलू नहीं यारो हूँ। अरे भाई डॉली, अमर प्रेम, शिल्पी, हो के इतने उदास नहीं होते। अरे आके कोई प्रॉब्लम आई है तो हम ढूंढ ढूंढ के उसका सलूशन ढूंढेंगे। डॉली एक काम कर, जा जाके चतुर्वेदी जी से कह कि मैंने बुला बुला के उन्हें अपने पार्लर में बुलाया है। अब मैं कर करके उनसे बात करती हूँ। बस आप बात करेंगी उनसे? हाँ ठीक है, मैं जाकर अभी जीजू को बोलती हूँ। ओ मेरे रांचना, ऐसे उदास मत हो। तू उदास होगा ना तो डॉली भी रो पड़ेगी। डॉली अपने डायलॉग माना बंद कर, और जो पीना जी ने कहा है वो कर जाके। जा रही हूँ। बीना जी थैंक यू। अच्छा सुनो, अब तुम लोग प्लीज पीपी के चाय पी लो। शिल्पी इधर बैठ मेरे पास प्लीज। शिल्पी मेक श्योर कि ये सब के सब पीपी के चाय पिए और साथ में बिस्किट भी खाएं। अब मैं जाके पार्लर जाती हूँ क्योंकि मुझे कर के पूरी सफाई करनी है। मेरी बाई नहीं आई ना आज। चलिए मैं जाके जाती हूँ, तुम लोग प्लीज पीपी के चाय पी लेना। ओके चल चले अग्रवाल साहब। खाओ जल्दी से तुम लोग। हाँ मम्मी। यारो यारो तू कर करके यहाँ मेरे पार्लर में क्या कर रहा है? मम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं कर करके पूरे पार्लर की सफाई कर रही थी। तब गंदा रखते हैं ना ये पार्लर को। लेकिन मम्मी यारो के होते यारो अपनी मम्मी को कोई भी काम नहीं करने देगा। यारो सब साफ सफाई कर देगा। यारो बाबा ये बाबा नहीं यारो हूँ, और यारो सारी साफ सफाई कर देगा, सब कुछ कर देगा एकदम साफ एकदम चकाचक। ओके कर करके सफाई तू कर दे, मैं वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देती। नहीं मम्मी यारो सब जानता है, सब कर लेगा। कर सफाई। हेलो 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 हेलो। हाँ एक मिनट जरा मैं बाहर जाके बात करती हूँ, यहाँ बहुत आवाज हो रही है। वो सफाई चल रही ना। ओहो ये पनौती यहाँ क्या कर रहा है? तो इसकी करता हूँ एकदम थो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.